उनको इंडिया गठबंधन को चाहिए कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, क्योंकि अगर हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम स्वच्छ छवि के नेता हैं, ईमानदार छवि के नेता हैं, अगर हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते हैं तब जाके हम 2024 में भाजपा को पराजित कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए और अगर बनाया जाता है तो ही इंडिया गठबंधन की राहें आसान हो सकती है, ये दावा किया है और ये मांग रखी है जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं रिंकू सिंह। उन्होंने साफ तौर पर वीडियो जारी करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग से ठीक पहले हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए भी और जो भी छोटी छोटी पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे परफेक्ट नेता हो सकते हैं और अगर वो पीएम के उम्मीदवार बनते हैं अपोजिशन की तरफ से तो इंडिया गठबंधन की राहें आसान हो सकती हैं। इस तरह का दावा और इस तरह की जो मांग है वो जनता दल यूनाइटेड के एमएलए रिंकू सिंह ने रखी है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से ठीक पहले पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये मांग उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग राजधानी पटना में बुलाई गई थी उस वक्त भी इनके नेताओं ने यह कहा था कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन का अगुवा बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने आकर के यह कहा था कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी सिर्फ एक इच्छा है कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में ना आए, यानी उनका कहना और इशारा साफ तौर पर था कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जाए, उसके लिए रणनीति बनाई जाए। अब जबकि इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली में आयोजित हो रही है उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के एमएलए ने एक बड़ी मांग रखी और कहा है कि जिस तरह से विकास का एक जो है वो नारा दिया मुख्यमंत्री ने, सुशासन का नारा दिया और बिहार को जिस तरह से तरक्की की राह पर वो ले गए और बिहार को एक अलग पहचान दिलाई, तो ऐसे हालात में ये दावा मजबूत बनता है, लोगों की ये मांग भी होती है कि नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने लाया जाए, इसलिए कि तीन फेज की मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग इंडिया गठबंधन की राजधानी पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलोर में हुई और तीसरी मीटिंग जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित की गई थी, जहां पर बड़े पैमाने पर गठबंधन के नेताओं ने अपने आप को पेश करते हुए यह कहा था कि 24 में मोदी को हराना बिल्कुल आसान है, लेकिन इस दौरान भी पांच राज्यों के चुनाव आ गए, चुनाव में कांग्रेस बिजी हो गई और जब चुनाव का परिणाम आया तो परिणाम बिल्कुल अलग था। उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों ने दावा पेश करना शुरू किया कि हमारी हिस्सेदारी से ही इस गठबंधन को मजबूती दी जा सकती है और ऐसे हालात में रिंकू सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलए हैं उन्होंने साफ तौर पर खुले लफ्जों में कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा आप घोषित कर ही देना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश सामने आते हैं तो उनकी जो छवि है, उनका जो काम करने का तरीका है उससे एक प्रभाव पड़ेगा और लोगों की उम्मीद जगेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वादे किए थे, वादा खिलाफी की, उन वादों के विपरीत मुख्यमंत्री ने जो काम किया बिहार में, जो जो कहा वो सब कुछ उन्होंने किया था, इसलिए नीतीश कुमार पीएम के सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं और अगर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर लाया जाएगा तो गठबंधन की जो राहें हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। लोगों की जो उम्मीद है, लोगों की जो भावनाएं हैं और आशा है उस पर मुख्यमंत्री खड़े उतरेंगे और इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश